मैं शिवाली दवे हूँ। तो आप आज की जो ट्रिप है वो है पोरबंदर की, जो सौराष्ट्र में आई है। तो जो पोरबंदर है वहाँ ही गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी, अब तो गांधी जी कौन है वो तो आप पहचानते ही होंगे। गांधी जी हमारे जो फादर है इंडिया के, तो उसका घर तो आपको देखना ही होगा। तो घर देखने के पहले आप हमारे जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी कोई इसमें मिस्टेक आपको दिखती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें प्लीज़ बताइएगा। और आपको किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम हमारी पूरी कोशिश कर कर वहाँ जा कर वीडियो बनाएंगे। तो आज हम आए हैं पोरबंदर के, जो है गांधी जी का घर कीर्ति मंदिर। मैं अब हम आपको दिखाने वाली हूँ अंदर कौन सी चीज़ें हैं देखने की। इधर ये गांधी जी का घर है, वो 7:30 को सुबह स्टार्ट होता है और 7:00 को शाम को ख़त्म होता है, बंद हो जाता है। ये गांधी जी का घर है जहाँ ये बड़े हुए हैं, तो उसका बॉन्ड हुआ था। उसकी सारी फैमिली फ़ोटो है, स्कूल फ़ोटो है। और ये जो गांधी जी है वो आपको पता ही होगा, 2 अक्टूबर को बॉन्ड हुआ है उसका, ये उसकी फैमिली। आज जब हम बताएंगे गांधी जी की ये स्टोरी है क्या है, उसके फ़ोटोज है, क्या हिस्ट्री है, तो ये जो है वैसे तो उसको फोटो गैलरी भी कह सकते हैं। अब हम जा रहे हैं अंदर जहाँ उसका जन्म हुआ था, जहाँ वो पढ़ाई कर रहे थे। उसकी रूम है, उसमें वो कौन सी किताब पढ़ते थे, उसके सारे हैंडराइटिंग्स वो हम देखने वाले हैं। ये जो गांधी जी का घर है उसमें 22 रूम्स है। और अब मैं आपको एक जगह बताने जाने वाली हूँ का जहाँ गांधी जी का बॉन्ड हुआ था। आइए हम देखते हैं। तो ये जो कमरा है यहाँ गांधी जी का बॉन्ड हुआ था, इसलिए ये सब जो साथी हैं उसकी निशानी रखी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये उसके गांधी जी के पापा है और ये उसकी मम्मी है। ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ी स्टेयर्स है, ये वही स्टेयर्स है जहाँ जो गांधी जी है वो ऊपर आते थे, नीचे जाते थे, इधर खेलते हैं। और पहले के ज़माने में पंखे कूलर वैसा नहीं होता, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बारियाँ होती है, विंडो होती है, जहाँ से जो पवन बहुत मस्त पवन आ रहा है, इधर सफोकेशन फील नहीं हो रहा है, पंखे नहीं है फिर भी। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गांधी जी कहाँ पढ़ाई करते थे, वो कौन सा स्टडी रूम है। ये जो आप देख रहे हो ये जो है गांधी जी का स्टडी रूम है। ये जो आप देख रहे हो पहले के ज़माने की ये अलमारी है, इसमें ऐसे कुछ सामान रखते होंगे गांधी जी का। आप देख सकते हो उससे पकड़ के आपको चढ़ना है इधर। इधर स्टेयर्स आप आते तो इधर ये झूला रहता था पहले, जहाँ अक्सर मुझे लगता है गांधी जी झूला पर बैठकर झूले खाते हो। और अब हम आए फिर से दूसरी मंजिल पर। अंदर का दिखाया था ये जो 3 मंजिल है, ये बाहर का लुक है। जो आपने सामने देखा वो है गांधी जी का घर, मैंने आपको सब कुछ बताया उसका जन्म। और ये फेमस है पोरबंदर का कीर्ति मंदिर है। ये जो ग्राउंड फ्लोर पर हम आए हैं
और यहाँ उसकी लाइब्रेरी है। उसका जो फेवरेट टॉय है तीन बंदर, और ये जो आप सारी बुक्स देख रहे हो उसने अब खुद हाथों से लिखी हुई है गांधी जी ने। नागपुर पर बताया कि उसका घर का डॉक्यूमेंट 1770 में बनाया गया है। गांधी जी को उसमें उसकी साइन है गांधी जी की। ये फोटो गैलरी है ऊपर। दूसरी टिप पर अब कहाँ जाते हैं अभी देखते हैं।